60 गाड़ियों का काफिला, 300 समर्थक की भीड़, तेज प्रताप के तेवरों से परेशान सोरेन सरकार। लालू यादव को फेवर करने के आरोपों में घिरी हेमंत सरकार अब तेज प्रताप के तेवर से टेंशन में है। लालू यादव ने तेज प्रताप को समझाने के लिए तलब किया था। तेज प्रताप रांची तो गए लेकिन अपने साथ विवादों का बवंडर भी लेते गए। एक लोटा पानी पर नसीहत लेने गए तेज प्रताप ने अपने काफिले से झारखंड सरकार को पानी पानी कर दिया। आरोप है कि तेज प्रताप ने खुलेआम महामारी कानून की धज्जियां उड़ाई। उनके समर्थकों ने मरीज के परिजनों से धक्का मुक्की की। पुलिस ने सख्ती के बजाय मामले को सुलटाने की कोशिश की। क्या हेमंत सरकार ने लालू यादव और तेज प्रताप यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या सरकार में राजद की साझेदारी होने से हेमंत सोरेन, लालू यादव और तेज प्रताप के आगे मजबूर हैं? क्योंकि तेज प्रताप के समर्थकों ने अस्पताल आ जा रहे आम लोगों से बदसलूकी की, इसलिए ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस घटना से हेमंत सरकार की किरकिरी हो रही है। तेज प्रताप यादव प्रकरण ने झारखंड भाजपा को एक नया मुद्दा दे दिया है। भाजपा का कहना है कि उसने तेज प्रताप के काफिले का वीडियो पहले ही सार्वजनिक कर सरकार को आगाह कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार कान में तेल डालकर सोई रही। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के मुताबिक बुधवार की रात करीब 2:30 बजे तेज प्रताप के साथ 60 गाड़ियों का काफिला रांची में दाखिल हुआ था। जब रांची में महामारी अधिनियम लागू है तो किसकी इजाजत से इतनी गाड़ियां शहर में दाखिल हो गई? कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर तेज प्रताप के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर काफिले की गाड़ियां जब्त कर ली जाती तो रिम्स परिसर के पास अप्रिय घटना नहीं होती। अस्पताल परिसर के पास न इतनी गाड़ियां आती और न जाम लगता। ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार ने अराजकता के सामने सरेंडर कर दिया। भाजपा का दावा है कि तेज प्रताप के साथ करीब 300 लोग रांची आए थे। कोरोना संकट के बीच इतने लोगों का आना क्या सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? अभी तक लालू यादव से मिलने के लिए बिहार से कई नेता रांची आ चुके हैं, लेकिन कोई इतने लाओ लश्कर के साथ मिलने नहीं आता। खुद तेजस्वी आते हैं तो इतनी गाड़ियों का काफिला नहीं होता, लेकिन तेज प्रताप 60 गाड़ियों और 300 लोगों के साथ रांची क्यों पहुंचे? क्या तेज रघुवंश बाबू के मसले पर तलब किए जाने से खुश नहीं थे? क्या वे पटना में बैठे राजद के बड़े नेताओं को अपनी ताकत का संदेशा देना चाहते थे? क्या वे अपने तेवर से यह दिखाना चाहते थे कि उनकी हैसियत किसी बड़े नेता से कम नहीं? लॉकडाउन में रांची के सभी होटलों को बंद रखने का सख्त आदेश था। जब तेज प्रताप बुधवार की रात करीब 2:30 बजे रांची पहुंचे तो स्टेशन रोड के एक होटल को खुलवाया गया। इस होटल को जबरन खुलवाया गया या किसी के कहने पर खोला गया, यह तो साफ नहीं है। लेकिन तेज प्रताप कानून को तोड़कर इस होटल में ठहरे। स्थानीय प्रशासन ने जो किया उसमें भी झोल का आरोप है। सीओ के कहने पर होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ तो मामला दर्ज किया गया, लेकिन तेज प्रताप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।